दंतोली पुलिस स्टेशन की हद में देवनगर परिसर के एक बैंक के एटीएम की आगे की प्लेट खोलकर रकम चुराने की कोशिश की गई, लेकिन बैंक की सर्विलांस टीम की समय सूचकता से यह प्रयास विफल हो गया। घटना के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि धंतोली थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। देवनगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है, पास ही में एटीएम है। गुरुवार सुबह 7:15 बजे दो अज्ञात शख्स एटीएम में आए। उन्होंने पहले अपनी कार से रकम निकाली, इसके बाद एक शख्स ने एटीएम का हुड खोलकर रकम निकालने की कोशिश की। यह बात सर्विलांस टीम को पता चली। इसकी सूचना तुरंत ही बैंक के प्रबंधक शीतल मेश्राम को दी गई। मेश्राम ने धंतोली पुलिस को इस बारे में बताया। साथ ही सर्विलांस टीम ने फौरन एटीएम के ट्रांजेक्शन बंद कर दिए। हमारे यहाँ पे 18 जनवरी धंतोली थाने में सुबह एक 8:30 बजे के दरमियान, 7:30 बजे के दरमियान बैंक के मैनेजर, इन्होंने हमारे यहाँ के तपास पतक के एपीआई चौधरी इनको फ़ोन करके बताया था कि एटीएम में कुछ अज्ञात लोग घुसे और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस वजह चौधरी साहब घर पे थे, उन्होंने पुलिस थाना लैंडलाइन पे कॉल किया। तभी जो ड्यूटी पर सुनील शिंदे मेजर थे, वो तुरंत जैसे ही कॉल आया, वो अपने साथ सिपाही उत्तम सरकटे इनको लेकर तुरंत अजनी चौक एरिया में पहुंचे और वहां जाके उन्होंने वो ट्रैप लगाया। तभी उनके ध्यान में आया कि कोई दो अज्ञात व्यक्ति एटीएम के बाहर निकले हैं, तो वो पुलिस को देख के वो अज्ञात दोनों व्यक्ति भागने लगे। तो इन लोगों ने उनको उनका पीछा करके उनको ताबे में लिया। सीसीटीवी से पता चला कि तीन लोगों ने एटीएम से रकम चुराने की कोशिश की। इसकी शिकायत मेश्राम ने धंतोली पुलिस थाने में की है। पुलिस ने तीनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।